and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAB Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. So in this video, I'll be telling you my experience about this camera, SJ Cam 7 Star. ये कैमरा को मुझे ले हुए 2 weeks हो गए. I purchased this camera from bango.com मात्र 12,500 रुपये में. ओके, सो ये SJ Cam का एक एक्शन कैमरा है और इसमें छोटा सा कैमरा होता है और ये छोटे से कैमरा से आप मोटा व्लॉग भी कर सकते हो. चलो सीरियस. ओके, अच्छा कौन से माउंट मिलते हैं, कैमरा इटसेल्फ कैसा होता है, इसका बैटरी कितने एम्पियर का, आई डोंट थिंक मैंने बताया होगा, सबको भी बताता हूँ ये वीडियो में. ओके, बॉक्स के साथ ये कैमरा कुछ ऐसा रहता है. ये वाटरप्रूफ केस के साथ आता है. इसको मैं बाहर निकालता हूँ अभी. तो बाहर निकलने के बाद ये कैमरा ऐसा ही बड़ा सा प्यारा सा क्यूट दिखता है. क्यूट नहीं बोल सकते, अच्छा दिखता है. इसका ओवरऑल फिनिशिंग बहुत अच्छा है. इसको व्लॉग करते समय पकड़ते समय बहुत ग्रिप मिलता है. इसका डिज़ाइनिंग फिनिशिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है. तो ये इसका लेंस है, इसको ये पावर बटन है, ये सेटिंग का बटन है, ये शटर बटन है. इसके ऊपर व्लॉग करोगे, अगर आपने इसके साथ व्लॉग किया होगा तो आपको व्लॉग देखते समय अपने जो व्लॉग किया उसका साउंड चेक करने के लिए यहाँ पे स्पीकर दिया. और इसका एक बैटरी आता है इसके साथ, देख के जाओ. तो ये इसका छोटा सा बैटरी है जो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है. इसका 1000 mAh का बैटरी है, ठीक है, एक्शन कैमरा के लिए बहुत हुआ. ये कैमरा ओवरऑल बहुत अच्छा है. व्लॉग करते समय इसका क्लियरिटी भी अच्छा आता है और ये कैमरा का व्लॉग तो ऑलरेडी कलर ग्रेड करके आता है तो बाद में एडिटिंग के टाइम ज़्यादा स्ट्रगल देने की गरज नहीं होती है. ये कैमरा के दो इशू है, एक तो ये कैमरा का बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है और दूसरा इशू है कि ये कैमरा बहुत जल्दी ओवरहीट होता है. इतना ओवरहीट होता है कि अगर आप 15-20 मिनट्स के लिए व्लॉग कर रहे हो, अगर आपके पास कोई वाटरप्रूफ केस नहीं, आप हाथ पे पकड़ के ऐसा व्लॉग कर रहे हो तो ये इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि लिटरली आप चटके लगते हैं, चटके मालूम है. और कभी कभी ज़्यादा ओवरहीट होने के बाद ये कैमरा प्रॉपर परफॉर्म भी नहीं करता है. इसको थोड़ा देर में बंद करके रखता हूँ, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है. होप ये अगले फर्मवेयर अपडेट में इसका इशू सॉल्व हो जाएगा. और मेन थिंग मैंने ये कैमरा लिया है क्योंकि ये एक्सएलआर माइक भी सपोर्ट करता है. सो अगर आप मोटो व्लॉग करते हो, अगर आप ट्राइपॉड पे माउंट करके एक जगह पे बैठ के व्लॉग करते हो तो इंटरनल माइक्रोफोन से आवाज़ इतना अच्छा नहीं आता है, क्रिस्प नहीं आता है, विंड नॉइस आता है. तो एक्सएलआर माइक लगा के इसका वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होता है तो आप इसको एक्सएलआर माइक भी लगा सकते हो. और ये कैमरा 128 GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, या 128 GB तक ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है. छोटे से SJ Cam 7 Star को बूट करते हैं तो इस तरह से ये SJ Cam 7 Star ऑन हो जाता है. और इसका सेटिंग मैंने पहले से करके रख दिया है, 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड सुपर न्यू मोड पे रख दिया है और वाइड एंगल. और इसका वाइड एंगल भी बहुत खतरनाक है, आप जब इसे व्लॉग करोगे तो आपको व्लॉग करने में बहुत मज़ा आएगा, व्लॉगिंग अच्छी होगी, आप अच्छी दिखोगे. मजाक कर रहा था. ये वाइड एंगल पे जब रखोगे आप किसके साथ, अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आपको व्लॉग करने में इसका एंगल प्रॉपर मिलेगा. अगर आप किस चीज़ का रिव्यू कर रहे हो तो आपको बड़ी आसानी होगी रिव्यू करते समय. और इसका एक सीन क्या है, मैंने इसका स्क्रीन टाइम ऑफ 30 सेकेंड रखता है क्योंकि इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है. आई डोंट नो एक्शन कैमरा का यही इशू रहेगा, ये कैमरा का इशू मुझे पता नहीं. इसका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है तो बार बार इसको ऐसे टैप करके ऑन करना पड़ता है. ओके, आपको इसके मैं सेटिंग बताता हूँ. तो अब इसकी ये कैमरा की सेटिंग देखते हैं. तो इसके जो पहली वीडियो रेजोल्यूशन सेटिंग है, तो इसकी लोएस्ट सेटिंग है 720p 120 फ्रेम पर सेकेंड, फिर 720p 30 fps 60 fps, और मैंने व्लॉगिंग के लिए रेगुलर लगा इसका सेटिंग 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड. और इसका टॉप मोस्ट सेटिंग है 4K 30 fps. और ये जो एक्शन कैमरा है ये ट्रू 4K निकलता है, इंटरपोलेटेड 4K नहीं निकलता है. नहीं तो जो कुछ कुछ कैमराज रहते हैं एक्शन कैमराज, कुछ कुछ SJ Cams भी है, SJ Cam 6 Legend, वो इंटरपोलेटेड 4K निकलता है, ये ट्रू 4K वीडियो निकलता है. और बाय डिफॉल्ट मैंने इसका सेटिंग 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड रखा है जो जनरली व्लॉगिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं. फिर बाद में आता है इसका वीडियो क्वालिटी. वीडियो क्वालिटी में देखा जाए तो इसको 3 मोड है, एक सुपर फाइन मोड, एक फाइन और नॉर्मल. अब नॉर्मल और फाइन पे रखोगे तो ज़्यादा वाइड एंगल नहीं आएगा, सुपर फाइन पे रखोगे तो ज़्यादा वाइड एंगल आएगा और व्लॉग करते समय आपको एंगल प्रॉपर मिलेगा, क्लियरिटी अच्छी मिलेगी और ये कैमरा का परफॉर्मेंस भी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा. ये टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस है वीडियो मोड का, सुपर फाइन मोड जो अभी मैंने रखा हुआ है. एंड बाद में इसमें स्लो मोशन शॉट्स भी आप ले सकते हो. फिर
अगर अब मैंने स्लो मोशन पे सिलेक्ट किया तो जब मैं इसके साथ व्लॉग करूँगा तो ये स्लो मोशन पे लेगा, एंड बाद में ऑटो लो लाइट मैंने वैसे भी पहले से ऑन रखा हुआ है, एंड बाद में गायरो सेंसर। या ये कैमरा का बेस्ट थिंग है जिसके वजह से मैंने ये एक्शन कैमरा लिया है, दैट्स गायरो मोड। गायरो मोड बहुत यूजफुल होता है जब आप चलते चलते व्लॉग करते हो, आप बाइक पे व्लॉग करते हो, कभी मूविंग शॉट्स आप लेते हो तो गायरो मोड बहुत यूजफुल होता है। अगर ये गायरो मोड नहीं रहेगा तो आपके मूविंग शॉट्स बहुत शेकी आएंगे, स्टेबल फुटेज नहीं आएगा। गायरो मोड के वजह से इसका फुटेज बहुत स्टेबल आता है। ये गायरो मोड वर्क करता है 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड पे, तो इसलिए मैंने इसका रेजोल्यूशन 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड रखा। और इसका ये वीडियो स्टैम्प रहता था, मैंने ऑफ किया था स्टार्टिंग में। जब मैंने कैमरा लिया तो मैंने ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं किया था, डायरेक्टली व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, इसलिए जब मैं व्लॉग करता था उसका डेट और टाइम आता था, रुपये लिख के आता था कि SJCAM 7 सर। तो मैंने अभी इसको ऑफ करके रखा है, एंड इसके साथ टाइम लैप्स भी बहुत अच्छा आता है। देन इसका माइक्रोफोन वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, UV ISO मीटरिंग एक्सेट्रा वो सबको पता है। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये कैमरा इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन सपोर्ट करता है। ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन व्लॉग करते समय बहुत यूजफुल होता है, और मोस्टली मोटो व्लॉगिंग करते समय हेलमेट के अंदर भी माइक लगा के आप इसके साथ व्लॉग कर सकते हो। आगे से ये कैमरा ऐसा कुछ दिखता है, इसका ये सेटिंग बटन है, इसका ये पावर बटन है, एंड ऊपर से ये शटर बटन है कैप्चर करने के लिए, और ये ऊपर है उसका स्पीकर जो आपने व्लॉग किया उसको चेक करने के लिए। तो इसका ओवरऑल फिनिशिंग बहुत अच्छा है ये कैमरा का, और इसको आप इजीली ट्राइपॉड भी माउंट कर सकते हो, और ये कैमरा से आप इजीली स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको वाईफाई सेटिंग में, इसको वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा, ये ऊपर वाईफाई का ग्रीन सिंबल बताएगा और आपका स्मार्टफोन कैमरा से कनेक्ट हो जाएगा। इतना इजी है। और एक चीज़ सीन आप कर सकते हो, अगर आप मोटो व्लॉग कर रहे हो, अगर आप व्लॉग कर आपको सडनली इसको कनेक्ट करना है कर सकते हो। अगर आप मोटो व्लॉग कर रहे हो, हेलमेट के ऊपर कैमरा माउंट रहेगा, अगर आप व्लॉग कर रहे हो आपको सडनली फ़ोन कनेक्ट करके एंगल चेक करना है तो क्या करने का, इसके पीछे जो सेटिंग का बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखने का, फिर वाईफाई ऑन हो जाता है। यू कैन सी तो इसके साथ और क्या क्या मिलता है। तो इसके साथ ये और एक ऐसा छोटा सा माउंट मिलता है, सकते हो ऐसे डाल सकते हो, फिर दिस इज द ट्राइपॉड, ये स्क्रू। अब ये स्क्रू से ये कैमरा को ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हो। ये बेसिकली ये ट्राइपॉड माउंट के लिए ये केस दिया होगा। और क्या क्या मिलता है आपको बताता हूँ। SJCAM के बॉक्स में और क्या क्या मिलता है आपको बताता हूँ। तो इसके साथ और एक ये केस का कवर आता है, फिर हेलमेट के माउंट्स आते हैं, फिर ये स्क्रूज आते हैं, फिर ये मसलिन क्लॉथ आता है लेंस को क्लीन करने के लिए। ओह माय गॉड, ये बहुत सारे इसके माउंट्स, स्क्रूज, हेलमेट माउंट, या इम्पोर्टेंट थिंग 3mm का टेप हेलमेट पे माउंट करने के लिए, और स्क्रूज एंड माउंट्स। इसका खाली एक ही मिसिंग है, मुझे लगा था ये कैमरा के साथ वो आएगा, मैंने बहुत सारी उम्मीद रखी थी वो अगर वो आया तो मेरा मोटो व्लॉगिंग बहुत इजी हो जाएगा। के साथ जे माउंट नहीं आया, सो सैड। जे माउंट आना चाहिए था तो मोटो व्लॉग में इजीली कर सकते। अब मुझे पता नहीं बाकी लोग को आया है कि नहीं, पर मुझे ये SJCAM 7 के साथ जे माउंट नहीं मिला। मैंने बाहर से ख़रीदने का सोच रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल तो ये कैमरा हेलमेट से माउंट हो रहा है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बट एज सुन एज पॉसिबल आई एम गोना टेक जे माउंट। कैमरा के साथ बहुत सारे माउंट होते हैं, दो केस आते हैं, उसमें एक वाटरप्रूफ केस आता है, और एक्सटर्नल माइक तो अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा, बट एक्सटर्नल माइक के साथ जो इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाता है, आप मोटो व्लॉग कर सकते हो, आप ट्राइपॉड पे लगा के इसके साथ व्लॉगिंग भी कर सकते हो। इतने सारे माउंट्स आते हैं, स्क्रूज आते हैं, 3M टेप आता है, हेलमेट माउंट आता है, दो केस आते हैं, उसमें से एक वाटरप्रूफ केस आता है, ट्राइपॉड माउंट आता है। आपने बहुत सारे माउंट्स देखे होंगे, तो अभी आप देख लो ये कैमरा वीडियो कैसा निकालता है, इसका वीडियो परफॉर्मेंस एंड फोटोग्राफी कैसा निकालता है देख लो।
Guys, I don't have much experience in doing such motor vlogging. Like I'm doing this for the first time, so sambhal lena. Kuch angle mein wagar mistake ho to, because I'm not getting a proper angle on this Activa because maine ye windshield lagaya hua hai. So when I do this, aage ka kuch dikhta nahi. So I've studied how to do motor vlog, how to mount a helmet on the camera. Irritating traffic rehta hai. And kuch bikers aise zup 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 beech mein ghuste hai, to pura blockage. Okay. So guys, this is how this camera SJ Cam 7 Star functions during night. And I'm filming this video by using the external mic. My God, ये प्रतीक्षा नगर में रस्ते का क्या हाल हो गया है? Oh my God, ये गाड़ी को तो देखो. The everything, everywhere off-roading. GTB से लेके प्रतीक्षा नगर सायन तक हर जगह पे off-roading ही off-roading भाई. So guys, thank you for watching this video guys. Hope you like this video guys. I'm not expert in doing this such unboxing ka review ka videos. Mere paas ek DSLR liya tha aur action camera liya tha, so maine just ek ownership experience share kiya hai. Hope you like this video. Agar kuch improvement karna ho is video mein to please comment down below and let me know so that I can improve those things in my upcoming vlogs. So thank you for watching this video guys. This is Saurabh Bodhani signing off. Travel as much you can, as far as you can, as long you can. Ride safe, enjoy your life. Jai Hind, Jai Maharashtra. Bye bye. Sorry, wapas. So right now I'm filming this video to shoot the unboxing of SJ Cam 7 Star from my which I purchased from Banggood.com. Arey, wapas. Okay.